बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड हर मरतबा एक या दो क्वेश्चन लाजमी आते रहते हैं, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले लैब असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क के लिए जो पेपर हो चुका है, और उसके अलावा ग्रेड 17 के लिए एज आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो पेपर हो चुका है, उसमें फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक एक दो दो एमसीक्यूज आए हुए थे, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन कतर। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर हेल्ड किया गया, वो कतर में मनक़द किया गया, ठीक है, 2022 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप विल बिगिनिंग ऑन। तो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ, तो 21 नवंबर 2022 को स्टार्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 एंड ऑन 18 दिसंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप का अहतमाम हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द मोस्ट एक्सपेंसिव फीफा वर्ल्ड कप इन द हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कौन सा हुआ, 2022 फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में एक्सपेंसिव था, महंगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 आर कतर एनर्जी, ठीक है, कतर एनर्जी, क्रिप्टो बेजिस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड कप इन एनी अरब एंड मुस्लिम कंट्री, ठीक है, ये फीफा वर्ल्ड कप फर्स्ट वर्ल्ड कप है जो कि किसी अरब या मुस्लिम ममालिक में मनक़द किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप विद 5 टाइम, ठीक है, तो ये ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील ने क्या किया, विच कंट्री वन मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप इन विद 5 टाइम, तो सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप वो किसने जीता है, 5 टाइम किसने, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, ये ब्राज़ील ने जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिंक टॉप इन फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग, तो ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा जो रिंक किया है, सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉप पर ब्राज़ील ही रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द ओनली प्लेयर टू सिक्योर 15 गोल्स इन द फुटबॉल हिस्ट्री, तो ये क्रिस्टिनो रोनाल्डो, ठीक है, रोनाल्डो जो कि आप लोगों को पता है कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर है फुटबॉल का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नंबर 1 गेम इन द वर्ल्ड, तो दुनिया की जो नंबर वर्ल्ड में गेम है वो कौन सी है, वो फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, द 2018 फीफा वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाई, तो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने होस्टेड किया, तो ये रशिया ने होस्ट किया था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2018 फीफा वर्ल्ड कप वाज वन बाई, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो ये फ्रांस ने जीता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज द रनर अप ऑफ द 2018 फीफा वर्ल्ड कप, तो ये क्रोशिया, तो ये क्वेश्चन अभी लैब असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ था ग्रेड 7 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अनाउंस्ड को होस्ट ऑफ 2023 वुमेन वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फीफा वाज फाउंड इन 1904। उसके बाद हम कुछ जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद एक और ये क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान के शहर मंडी बहाउलुद्दीन को शहरों का शहर कहा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, खेलों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है, तो वो सियालकोट को खेलों का शहर या स्पोर्ट्स गेम कहा के नाम से मशहूर है, ठीक है, जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जी जो कि मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग देखें, पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, छांगा मांगा का जंगल है जो कि लाहौर में वाकिया है, ठीक है, तो या इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कहाँ है, ठीक है, वो लाहौर में, लाहौर के करीब है, तो सबसे बड़ा जंगल छांगा मांगा का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो सबसे बड़ा ज़िला हज़दार है, जबकि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला चागी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन इस्लामाबाद में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा पार्क किस शहर में है? तो सबसे बड़ा पार्क रावलपिंडी के शहर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो शराय पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान की सबसे लंबी सड़क है। उसके बाद कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना था। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजमुद्दीन थे। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद थे, जबकि पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे। उसके बाद गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था? तो लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला सिक्का कब जारी किया गया? तो 1948 में पाकिस्तान का पहला सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कब फांसी दी गई? तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1900 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली दस्तूर साज असम्बली का सदर कौन था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट किया जाता है। तो कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना पहली दस्तूर साज असम्बली के मेंबर थे। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आता होता है कि पाकिस्तान का पहला आइन असम्बली में किसने पेश किया? तो लियाकत अली ख़ान ने पाकिस्तान का पहला आइन असम्बली में पेश किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी परचम को कब मंजूर किया गया? तो कौमी परचम क्या हमें पाकिस्तान से 4 दिन पहले, ठीक है, 11 अगस्त 1947 को मंजूर किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? तो पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? तो पाकिस्तान का कौमी फूल चमेली है। पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है? तो पाकिस्तान की कौमी मिठाई गुलाब जामुन है। पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? कौमी फल आम है। पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है? कौमी सब्ज़ी भिंडी है। पाकिस्तान का कौमी मशरूब कौन सा है? तो गन्ने का रस है। उसके बाद नेक्स्ट, पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा है? तो शलवार कमीज़ पाकिस्तान का कौमी लिबास है। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कुछ ऐसी चीज़ जो आप लोगों को समझ ना आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।